मुसलमान है तो मस्जिद पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो हम हिंदू है तो हम ये चीज क्यों नहीं देख सकते कि भाई हम हिंदू है तो मंदिर पे टैक्स नहीं लगना चाहिए? जब वो दोनों पर नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों? क्योंकि जब ये शुरू से हिंदुस्तान है मुसलमान में टैक्स नहीं लग रहा तो फिर हिंदू में क्यों टैक्स लग रहा है? मंदिर पे लग रहा है तो हर जगह लगना चाहिए, चर्च मस्जिद पे भी लगना चाहिए, चर्च पे भी लगना चाहिए। मस्जिद के लिए यह कुछ नियम कानून नहीं है। हम लोग हिंदू का जो भी धार्मिक संस्था है सबके लिए उनका प्रतिबंध है। यहाँ पर हिंदू के हर एक भगवान टैक्स देते हैं, लेकिन मुसलमान ईसाई लोग पे टैक्स नहीं है। ये 80% गलती आपका हिंदू के है कि हमारा ही धर्म का जो भगवान है वो काहे टैक्स देंगे? गले लगाइए इनको, गले लगाइए इनको यार। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं NMF न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में पब्लिक से हमारा सवाल बस इतना है कि जब चर्च और मस्जिद पर सरकार का कब्जा नहीं है तो फिर मंदिर को सरकार के कब्जे से मतलब निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मतलब मेरा सवाल साफ साफ ये है कि क्या मंदिर पर सरकार का कब्जा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात है कि ये चीज़ सरकार को समझना चाहिए, आम पब्लिक को समझना चाहिए। आम पब्लिक ये चीज़ समझता नहीं है। आम पब्लिक को ये सरकार का काम है कि जातिवाद करना, और जातिवाद के चक्कर में आम पब्लिक भी यही देख रहे हैं कि हमको अपना जात देखना, हम जादू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमियार हैं, तो हमको वो चीज़ देख के वोट देना है कि लालू यादव इलेक्शन में खड़े हुए, बिहार से हमारे लालू यादव खड़े हुए, तो हम जादू हैं तो हम लालू यादव को वोट देंगे, हम ब्राह्मण हैं तो हम BJP को वोट देंगे। ये लोग नहीं देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि मुसलमान है तो मस्जिद पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो हम हिंदू हैं तो हम ये चीज़ क्यों नहीं देख सकते कि भाई हम हिंदू हैं तो मंदिर पे टैक्स नहीं लगना चाहिए? ये चीज़ तो हमको भी देखना चाहिए। आम पब्लिक अगर इस चीज़ को लेके कंप्लेन करती है या इस चीज़ को लेके मतलब ये होता है ये रैली, नॉर्मल रैली मुस्लिम लोग भी निकालते हैं, हम लोग भी अगर ये चीज़ करके रैली निकाले तो ये चीज़ से टैक्स हट सकती है अगर हम लोग चाहें तो। मतलब कहीं ना कहीं मंदिर का टैक्स हटना चाहिए। हाँ, टैक्स बिल्कुल हटना चाहिए। टैक्स जब दूसरे जात तो आज की डेट में सबको ही देख रहा है, आज की डेट में तो जात सबको ही देख रहा है, मुसलमान भी देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं। हाँ, कुछ परसेंट लोग हैं जो नहीं देखते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, कुछ लोग हैं जिसमें हिंदू लोग भी है मुस्लिम लोग भी है। हम ये नहीं एक को गलत बोल रहे हैं कि हिंदू सही है मुस्लिम गलत है, नहीं, हिंदू भी गलत है मुस्लिम भी गलत है, दोनों गलत है। तो अगर ये चीज़ मुसलमान में टैक्स नहीं लग रहा है तो फिर हिंदू में क्यों टैक्स लग रहा है? इस चीज़ के बारे में हम लोग को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर सरकार ना, यहीं पर तो जातिवाद हो रहा है, मुसलमान के लिए अलग और BJP अगर हिंदू के लिए अलग कानून है, उन लोग का अलग मुस्लिम वक्फ बोर्ड है और हिंदू के लिए कोई बोर्ड नहीं है, सारा बोर्ड नेता का बोर्ड है। अच्छा, क्या कहिएगा अंकल, जैसे चर्च और मस्जिद पर सरकार का कब्जा नहीं है मतलब टैक्स नहीं लगता है, तो वहीं हिंदू मंदिरों पर सरकार का कब्जा है? ये पहले ही सोचना चाहिए, जब वो दोनों पर नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों? क्योंकि जब ये शुरू से हिंदुस्तान है अंकल, सबसे पहला चीज कि राम मंदिर जब बना था तो कितना बवाल हुआ था, ये चीज पे दिखा गया कितना बवाल हुआ था। और चर्च आज के डेट में आप मस्जिद देखिए, कितना मस्जिद बनता है, ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद नहीं बनता है। और ट्रस्ट का पैसा कितना बाहर से आता है सब किसी को पता है, सरकार को भी पता है कि ट्रस्ट का पैसा कहाँ कहाँ से आता है। लेकिन वही चीज अगर मंदिर में ट्रस्ट का पैसा आ जाए तो कहाँ से आया, इस चीज का इंक्वायरी बैठ जाता है। कुछ दिन पहले ही इंक्वायरी बैठा हुआ था। मस्जिद में ये बात है नहीं, मस्जिद के लिए यह कुछ नियम कानून नहीं है। हम लोग हिंदू का जो भी धार्मिक संस्था है सबके लिए उनका प्रतिबंध है। प्रमोद कुमार, क्या कहिएगा, मतलब चर्च पर और मस्जिद पर सरकार का कोई कब्जा नहीं है तो वहीं मंदिर पर सरकार जो है टैक्स लगा रखी है। अच्छा अच्छा, मतलब टैक्स लगना चाहिए, मतलब सरकार के कब्जे से मंदिर को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? सरकार तो अपना जो है पूजा पाठ करने वाला अंदर में रहना चाहिए, बाहर कैसे निकलेगा ये? बाहर नहीं होना चाहिए। मस्जिद में तो कोई सरकार के अंदर में मस्जिद वगैरह नहीं आता है, मस्जिद और चर्च जो है। और तो एक मंदिर कैसे आ जाएगा? तो मंदिर आता है, मतलब टैक्स लेती है सरकार इससे, मंदिर से और टैक्स ले रही है। तब सही है कि गलत है?
टैक्स लेना तो सही नहीं ना है, वो खाली मंदिर से मस्जिद और चर्च से नहीं लगता, तब वही बात ना है, इसमें भी नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहिएगा अंकल जी, किसके बारे में? मस्जिद और चर्च पे टैक्स नहीं लगता है, वो सरकार के कब्जे से बाहर है, तो वहीं मंदिर पे जो है वो सरकार अपना कब्जा जमाए बैठी है, तो क्या मंदिर को सरकार के कब्जे से निकालना चाहिए? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो है जिन लोगों के हाथ में जाए वो उसका संचालन इससे भी बुरे तरीके से करें, पहले जो है मुद्दा ये होना चाहिए ना, मतलब आप उसका संचालन जो है सही से होना चाहिए, सरकार कर रही है कि जो है दूसरे लोग कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, देखिए व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से सरकार बनता है, व्यक्ति अपना आचरण सही रखे तो समाज का आचरण अपने आप सही हो जाएगा, समाज का आचरण सही होगा तो जो है सही सरकार को चुनेगी, सही फिर सरकार सही काम करेगी। आपका कहना है कि मंदिर और चर्च को गलत लोग चला रहे हैं? फिर मंदिर और चर्च को गलत लोग नहीं चला रहे हैं, सही लोग चला रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि गलत लोग चला रहे हैं, मस्जिद को भी सही लोग चला रहे हैं, मंदिर को भी सही लोग चला रहे हैं, उसमें व्यवस्था बदल देने से जो है सोल्यूशन नहीं होती है, व्यवस्था को सही करने की जरूरत होती है। हाँ, हम लोग जो है धर्म राजनीति जात पात अपना पराया जो है देख के वोटिंग करते हैं, इसका नतीजा होता है कि जो है उसका धार्मिक संस्थाओं को भी जो है राजनीति के लिए जो है प्रयोग किया जाने लगता है, नहीं हमको जो है स्वच्छ छवि वाले जो है स्वच्छ छवि वाले राजनेताओं को चुनेंगे तो वो स्वच्छ काम करेंगे। मान लीजिए हम लोग अभी राजनीति से थोड़ा दूर हटते हैं तो बस इतना बताइए कि जैसे मस्जिद और चर्च ये मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यक में आते हैं तो है। उनके जो धर्म स्थल हैं उस पे सरकार का मतलब कोई कब्जा नहीं है, मतलब अंडर नहीं है। और मंदिर पे जो है सरकार अपना ये जमा नहीं, मेरे हिसाब से जो है सब कुछ सरकार के अंडर में होना चाहिए, सबको मंदिर पे भी उतना ही सरकार का अधिकार होना चाहिए, मस्जिद पे भी उतना ही होना चाहिए, चर्च पे भी उतना ही होना चाहिए, इसलिए कि ये सब सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, सार्वजनिक उपयोग की बस्तियों का नियंत्रण सरकार के पास ही होना चाहिए। क्या नाम हुआ? श्याम कुमार। श्याम जी, आपका नाम तो कृष्ण जी वाला है। श्याम जी जी, कहिए। एक बात बताइए कि चर्च और मस्जिद ये दो ऐसे धर्म स्थल हैं जिसपे सरकार का कोई मतलब कैप्चर नहीं है जी। और मंदिर पे सरकार अपना कैप्चर जमा के रखी है, तो मतलब मंदिर को सरकार के कैप्चर से दूर करना चाहिए या नहीं? मंदिर हुआ मस्जिद हुआ ये तो आस्था का प्रतीक है, तो इसपे तो सरकार का निजीकरण नहीं होना चाहिए। राम ने किसी को मारकर मंदिर नहीं बनाया, मस्जिद बनाने खुदा कभी जमीन पर नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य तो आस्था है, तो वहाँ पे तो खैर सरकार को इस चीज से दूरी बना के रखना चाहिए, मतलब वहाँ पे निजीकरण नहीं होना चाहिए। जहाँ तक केवल मंदिर पे ही वो किए हुए है, बाकी उस पे वो नहीं, तो मंदिर पे तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत चीज है, क्योंकि मंदिर है तो वहाँ पे हर आदमी का, वो तो भगवान का दरबार है, भगवान तो सबके हैं, उस पे कोई प्रॉपर अपना चीज तो नहीं कर सकता है। आइए, यहाँ पे और भी पब्लिक मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, आइएगा। क्या नाम हुआ भैया? राज मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताइए कि मस्जिद पर और चर्च पर सरकार का कैप्चर नहीं है जी? वही मंदिर पर जो है टैक्स लगता है सरकार के, लगाया है सरकार के द्वारा, तो ये किस हद तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है, जब मंदिर पे लग रहा है तो हर जगह लगना चाहिए, चर्च मस्जिद पे भी लगना चाहिए, चर्च पे भी लगना चाहिए, जब क्योंकि सारा जो भी है जितना भी है केवल मंदिर पे ही क्यों किया जाए, हम लोग सब पे लगना चाहिए। क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा तो नाम ब्रजेश कुमार मिश्रा हुआ। बोले मिश्रा जी, ये भी मिश्रा जी, अभी मिश्रा जी, मिश्रा जी एक बात बताइए। बोले कि ये इस तरफ थोड़ा हो जाइएगा। हाँ, इस बोले तरफ। हाँ, जैसे मस्जिद पर और चर्च पर सरकार का कैप्चर नहीं है और मंदिर पर सरकार अपना कैप्चर जमा के बैठी है, तो ये किस हद तक सही है? पहले एक बात बताइए जी, किस ढंग की आप कैप्चर पर निगाह रख रहे हैं? आय व्यय पे, आए भी है ना? बिल्कुल वही। तो चर्च में कभी डोनेट नहीं होता है? चर्च में कभी दान देखे हैं कि कोई जाकर पैसा चढ़ाता हो? मस्जिद में कभी देखे हैं कि कोई नंबरी पैसा मिठाई चढ़ाता हो? चढ़ता होगा? नहीं होता होगा, नहीं नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता है। और मंदिर में चढ़ता है तो मंदिर पे सरकार टैक्स लगा दी, ये ट्रस्ट के अंडर में ला ली। और चर्च मस्जिद में नहीं चढ़ता है, वहाँ पे चंदा लिया जाता है, आप धनी है तो हाँ तो इतना आप डोनेट कर दीजिए, तो गुप्त दान हुआ ना, गुप्त दान पे कोई टैक्स नहीं होता है, अंतर यही है। मंदिर पर सरकार का कब्जा होना चाहिए या नहीं? कहे कि मस्जिद पर और चर्च पर नहीं है,
सरकार को सबसे पहले ये तो काम होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का डेट में देख रहे हैं तिरुपति बालाजी में क्या क्या मैटर हो रहा है, ये तो न्यूज पर दिखाया जा रहा है। आज हमारे राम मंदिर जी हैं यहाँ, महावीर मंदिर, आज तक यहाँ कोई मिलावट नहीं हुआ है, शुद्धता के फुल गारंटी देते हैं। और सरकार की बात रही तो सरकार इस पर समीक्षा बैठक करके सब मंदिर को अपने कवच में कर शुद्धता की आशी। वो तो है ही ना, सरकार इससे टैक्स वगैरह लेती ही है और मस्जिद और चर्च से नहीं लेती है, तो ये किस हद तक सही है, खाली मंदिर से कह लिया जा रहा है। यही तो सरकार को सोचना है, यही तो बात है कि मंदिर से सिर्फ टैक्स आता है, मंदिर को विकसित नहीं, विकसित किया जाता है कहीं, किया जाता है कहीं, विकसित नहीं भी होता, लेकिन मस्जिद से और चर्च से टैक्स नहीं लिया जाता है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ, जब मंदिर से लेते हैं तो मस्जिद और चर्च से भी लिया जाना चाहिए। चलिए, यहाँ पे और भी पब्लिक मौजूद है जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रौनक सिंह। रौनक जी, एक बात बताइए कि चर्च पर और मस्जिद पर टैक्स नहीं है, मतलब सरकार का कब्जा नहीं है? ना वो देखिए, यहाँ पर श्री राम भगवान, श्री जगन्नाथ महाराज जी, तिरुपति बालाजी, यहाँ पर हिंदू के हर एक भगवान टैक्स देते हैं, लेकिन मुसलमान ईसाई लोग पे टैक्स नहीं है। ये 80% गलती आपका हिंदू के है। जब हिंदू अगर चेतना, जब हिंदू के चेतना जब जाग जाएगा तो इसके लिए उस सड़क पे आने लगेगा कि हमारा ही धर्म का जो भगवान है वो काहे टैक्स देंगे, हमारे ही धर्म के XYZ जो भी भगवान है वो काहे टैक्स देंगे, ईसाई काहे नहीं टैक्स देगा, मुस्लिम काहे नहीं टैक्स देगा। तो इसके लिए आपको ऐसा सरकार को लाना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। जैसा भी बीजेपी है हिंदू के लिए सबसे ज्यादा काम करती है, लेकिन हिंदू का पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम बीजेपी को तब भी वोट देंगे जब 1957 या 67 में, हमको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, 1957 या 67 में जवाहरलाल नेहरू, जितना भी हिंदू के टेंपल बढ़िया बढ़िया है जहां से उनको सोर्स ऑफ इनकम लगा, उस पे उसको अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कर लिए, ठीक है। तो ठीक है, एक समय आपके पास ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के अलावा, अभी तो ऑप्शन है, ऑप्शन बना भी लिए, केंद्र में सरकार बना भी आप लिए, तो आप केंद्र में मांग तो रखिए, अपना सांसद को, अपना विधायक तो को जनता हिंदू बोले तो कि हाँ, हम अगला बार वोट तभी देंगे जब हिंदू के तमाम मंदिर से टैक्स हटना चाहिए, और नहीं तो सिख कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के मजार पे जो चढ़ावा चढ़ता है, या फिर ईसाई के मिशनरी में जो चढ़ावा चढ़ता है, उस पर भी टैक्स लगे और उसको भी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट लाना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हिंदू का चेतना आना चाहिए, सरकार का क्या है। अभी देखिए, अभी तिरुपति बालाजी में एक अथी चला कि जो भी तिरुपति बालाजी का प्रसाद है उसमें सुअर के ऑयल और चर्बी, गाय के चर्बी उर्बी के साथ चढ़ाया जा रहा है, मछली का तेल मिलाया जा रहा, ठीक है। ये कौन कर रहा था? ये सरकार कर रहा था। जगह ही नाम रखिए, खाली आप फेत बिलीव इन फेत आप बदल लीजिए। तो जगन मोहन रेड्डी को अगर कोई समझ रहा है कि हिंदू है तो आप सावधान हो जाइए, वो निहायत क्रिश्चियन आदमी है, ठीक है। और क्रिश्चियन आदमी कभी भी सोचेगा कि आपका धर्म भर नष्ट हो, ठीक है। उसके लिए वो 5 साल में जो भी करना था तिरुपति टेम्पल के साथ किया, लेकिन अभी आपका चंद्रबाबू नायडू अभी सरकार में है ना, तेलंगाना में, तिरुपति में, एंटरटेन, वो क्या कार्रवाई किए हैं? कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं, खुलासा करवाए। अभी तक XYZ एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए जो इस मामले में, इस संबंधित मामले में जेल में है। कोई जेल में नहीं है, और हम आपको लिख के दे रहे हैं कि कोई जेल में भी नहीं जाएगा। पता क्या है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को भी पता है कि यही चुतिया हिंदू जगन मोहन रेड्डी को पिछला बार सरकार में लाया था, और इस बार अगर हम इस पे कार्रवाई करेंगे और गलती से अगला बार यही हिंदू अगर जगन मोहन रेड्डी को चुन लेगा तो फिर हम पे कार्रवाई करेंगे जगन मोहन रेड्डी। तो क्या किए, आधा पैसा लेके और मामला को रफा दफा करने में लगे हुए। तो सबसे बड़ा गलती हम हिंदू को मानते हैं, आपके अंदर चेतना का भाव नहीं है। हमारा कौन सही कर सकता है, हमारे लिए कौन गलत कर रहा है, हमारे लिए कौन कब्र खोदने का काम कर रहा है, ये आपको पते नहीं है। अब बता रहे हैं हम आपको, यही हिंदू तिरुपति बालाजी के मंदिर के चढ़ावा से आज
तेलंगाना में और आंध्रा में 80% ईसाई लोग हमारे पैसा से यरूशलेम में तीर्थ यात्रा पे जाता है। यरूशलेम ईसाई के लिए, मुस्लिम के लिए पवित्र जगह है, लेकिन उसमें चढ़ावा कौन चढ़ा? एक ईसाई वहां पर चढ़ावा नहीं चढ़ा रहा, एक मुस्लिम वहां पर चढ़ावा नहीं चढ़ा रहा, एक बुद्धिस्ट वहां पर चढ़ावा नहीं चढ़ा रहा, लेकिन वहां चढ़ावा कौन चढ़ा रहा? हिंदू। और वही हिंदू के पैसा से आप तेलंगाना में जाके देखिए, एक नियम बना है कि तेलंगाना में क्रिश्चियनिटी लोग हिंदू के तिरुपति बालाजी के पैसा से, चढ़ावा से हर साल कम से कम 20,000 क्रिश्चियनिटी लोग यरूशलेम 60,000 रुपया लेके और जाता है अथी करने। ये आपने बहुत बड़ा खुलासा किया इसके बारे में। बाबा एक बात बताइए कि मंदिर पर सरकार का कब्जा है लेकिन मस्जिद चर्च पर नहीं है, किस हद तक सही है? अरे ये तो शुरू से आ रहा है, ये तो शुरू से आ रहा है कि हिंदू के मंदिर पर निगाह सब पर है, लेकिन जितना भी मजार है, मजार पर कितना भी गलत काम होता है, तो सरकार जो है वो बीजेपी की हो या किसी का सरकार हो, ये वोट के लिए ये सब दबदाब कर रखे रहता है कि इसमें हाईलाइट नहीं हो। इसलिए कि कहो भी, जहां भी मदरसा में जाइए, वहां पर या बम बांधने का, बंदूक चलाने का ट्रेनिंग होता है। हाँ, मदरसा स्कूल में जितना भी आप कहाँ देख लिए? अरे हम तो पूरा भारत में घूम के देख रहे हैं। मदरसा में बम गोली चलाने का ट्रेनिंग होता है, आपको कैसे पता है? पाकिस्तान में खुलेआम हो रहा है। पाकिस्तान में कई % हिंदू था, अब कई % हिंदू है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया वाले हैं, अब बताइए कि कई % है? 10% से 2% हो गया। 2% का जीरो पर आउट है, जीरो पर आउट है, जीरो पर आउट। कोई हिंदू नहीं है वहाँ, कोई मंदिर नहीं है। पाकिस्तान में नजर उठा के देख लीजिए, कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने बोले थे, हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई आपस में है भाई भाई, हाँ भाई भाई का न भाई 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 दम भाई भाई। यहाँ गले लगाइए इनको, आइए गले लगाइए इनको, गाइए गले लगाइए इनको, यार यार ग्वाल मिया भाई, ग्वाल मिया भाई, बीजेपी कसाई। अरे अरे गलत बात नहीं, ये गलत कर दी है। अच्छा क्या एक भाई, अरे यार केस्टा नहीं हो रहा है, किटकारी मत मारो। नहीं मार रहा भैया। क्या नाम हुआ सर? अब्दुल मन्नान। अब्दुल जी एक बात बताइए, कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लगा, मतलब जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है ये। अच्छा, और ये आजकल जो मुसलमानों को और जिस तरीके से मतलब फसाद फैला रहे हैं, हम चाहता हूँ कि भाई सब मिलजुल कर रहे, देश से खूबसूरती जो है ना, हाँ कोई भी देश में ऐसा खूबसूरती नहीं है जैसे इस देश की खूबसूरती है। आज लोग आपस में चाहते हैं कि मतलब वो सही है हम गलत है, इंसान को अपना अंदर कुछ झांक के देखना चाहिए कि हम सही है कि गलत है। अपना घर के अंदर, अपना 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 माहौल के अंदर जो खराबी आदमी वो नहीं देखता है, वो चाहता है कि हमेशा दूसरा एक घर उजरे। कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अपना घर नहीं उजारेगा, वो हमेशा दूसरा घर उजारने का सोचेगा। आज के अब्दुल जी एक बात बताइए, हमारा अभी जो चर्चा चल रहा था, सवाल ये था कि जैसे मस्जिद और चर्च पे सरकार का कोई टैक्स नहीं लगता, आपको भी पता होगा, लेकिन मंदिर पे सरकार का टैक्स लगता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद जो है ना वो लोग मतलब अपना पैसे से अपने जमीन दे के बनवाता है कि भाई हम पूरा क्या बोलता है ये, हम नमाज पढ़ेंगे इस मस्जिद के अंदर। इसने पूरे कौम का पैसे लगे रहते हैं इसके अंदर। अच्छा। अपना पैसे दे के वो बनाते हैं और उसमें नमाज अदा की जाती है, लेकिन तो वो पूरे कौम का हो गए, सरकार का तो हो नहीं गए। लेकिन अगर सरकार इस पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो वो गलत है, बिल्कुल गलत अच्छी बात है। अच्छा रुकिए, अब सवाल इतना है, ये अभी कह रहे थे कि मदरसा में बम और बारूद चलाने का ट्रेनिंग, आप जाके देखिए मदरसे के अंदर। सही बात है। हम जिस मदरसे से पढ़ के आए हैं, जामिया अंकल कुआ, इसमें मतलब 24,000 तलबा, 24,000 बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे। आप मदरसे में जाके देखिए कि वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है। मैं जिला सहरसा बिहार का हूँ, जिला सहरसा रहने वाला। उस मदरसे में हमने 15 साल पढ़ाई की है, और 15 साल के अंदर हमारे जो तालीम है, आप हमसे पूछ सकते हैं आपने क्या पढ़ के वहाँ से। आप मदरसे जाइए देखिए मदरसे में क्या हो रहे, आपको कोई मंगवा भगाएंगे नहीं, कोई डांटेंगे नहीं, कोई नहीं मारेंगे। आप एक मदरसे जाइए, मदरसे के बच्चे आपको ऐसे स्वागत करेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई हमारे भैया मोरे
हर देखिए मुसलमान में 10 गो चोर चोट्टा है, हिंदू में 20 गो चोर चोट्टा है। वो चाहते कि लड़ा दे, ये कुछ लोग ये चाहता कि लड़ा दे, ये कुछ लोग चाहते हम आपस में सीधा करे, ये कुछ लोग चाहते हैं कि हम आपस में लड़वाए मुसलमानों को हिंदुओं को, ताकि मतलब ये बदनाम हुए पूरे को, पूरे बदनाम हो जाए। एक आदमी से गदा मार खा झोला, खेत खा गदा मार खा झोला। अच्छा ये तमाम, चलिए देखिए, ये है बिहार की खूबसूरती, ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती। अब आपकी जो है जो कुछ प्रतिक्रिया है ऐसे खूबसूरती के बारे में, और जाते जाते वीडियो हमको नहीं रखना है। अरे भैया इसे फिर दंगाई वाला बात काहे कर रहे हैं, है? नहीं 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 नहीं, चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो, पीरा बाबा हमारे साईं बाबा सुनते चलो, सबके नजरिया गंगा से धोते चलो। चलिए तो अब हमारा आप जो पब्लिक जो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हल्का बात मत बोलिएगा, सिर्फ गंगाधारियों के लिए बनी है गंगा। क्या गंगाधारियों की चरण धोती है क्या गंगा? हाँ गंगा माँ, मैं देखिए लिख ले। हाँ। और उसके बाद जानते हैं कहाँ सब गंगाधारी बताते हैं। तो हमारे ही मुसलमान भाई यदि गंगा जी में जाके अपना पैर हाथ धो लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो धो लेंगे अलग चीज है। ये कोई मैंने गंगाधारियों के लिए बनी थी, पहले गंगाधारी के लिए। खुद कोसी इलाका मरे मतलब हमेशा नहाए, क्यों नहाए? नहाने के समान नहाएंगे। उसमें पूछिए तब सिर्फ ग्रंथ में क्या लिखा है। हाँ विष्णु भगवान के लिए चरणों में है गंगा, और उसके बाद सूर्य देव के लिए धारा जाता है। अब ये भाई साहब का आस्था है कि हम धोता है जो वो अलग चीज है, उसको हम सिर्फ पानी समझते हैं। क्या समझे तो फिर गलत बात हो गया। नहीं तो हरिद्वार में जाइए, सब ऐसे नहीं धो सकता है। आप जानना चाहते हैं तो नहीं तो साधु एगो बिस्कुट खा के नहीं बिकता है बस। और तो वहाँ का साधु कैसे कर रहा है, पीछे कौन आ रहा है बोलिए। अगर गंगा को वो साधु जानता है, जो जानता है वो मानता है, कहे तब गंगा सिर्फ गदाधारियों के लिए बनी है बस। अच्छा एक बात बताइए कि दुर्गा माँ भी गदाधारी थे। हाँ, सुनिए देवी में दुर्गा माँ के लिए झुकी थी। हाँ, चलिए एक बात बताइए। हाँ, मंदिर पर सरकार का टैक्स नहीं लगता है, मतलब मंदिर पर सरकार का टैक्स लगता है और मस्जिद और चर्च पर नहीं लगता है? तो सरकार का मर्जी है, सरकार का मर्जी। खाली मंदिर पर लगेगा, ये कहाँ तक सही है? तो ये मंदिर इसलिए लगता है इस मंदिर पर कि इस मंदिर को कोई पुलिस वाले बनाए थे, कुणाल साहब। कुणाल साहब, अरे नहीं सुनिए, मंदिर और सब मंदिर का, इस मंदिर का आधार सुन लीजिए तो वही मंदिर का आधार बतावेगा कोई दूसरा। कुणाल साहब क्यों दिए सरकार को, आओ क्यों नहीं किसी अपने कोई परिवार को दे दिए? उनका आवन परिवार होगा, निजी चाचा भतीजा। सवाल नहीं समझ रहे हैं आप। अरे सवाल बढ़िया हम दिए। अच्छा तो चलिए, देखा आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं, एक मुसलमान भाई साहब भी है, वो भी अपना प्रतिक्रिया इस पे दिए। अब आप तमाम व्यूअर्स का जो कुछ प्रतिक्रिया है इस टॉपिक पे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश कैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।